फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। रोज भाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो नई सुबह के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ठंडियों के मौसम में ना धूप कितना तरसाती है, कब से देख रहे हैं कब आएगी धूप। 8:30 होने वाला है, देखो ऊपर चोटी पे धूप दिखी तो मन इतना ललचा रहा कि भाग के वहाँ चली जाए। 8:35 8:40 तक तो यहाँ भी आ जाती है, लेकिन अभी 8:30 हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी कितनी सुबह होगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ले आती हूँ मैं आपको अपनी रसोई में। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कापली, पालक की कापली। और टाइम मैं बनाती थी बेसन से, तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ आटे से। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसी बनती है आटे की कापली। तो आज बन रही है कापली, मैं बनाती हूँ कापली के साथ, बड़े दिन से मन होता खाने का। और ये मैंने पालक की सब्जी बना दी है पहले, और ये है में प्याज। और एक्चुअली मैं बनाती थी बेसन से कापली, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि थोड़ा सा आटा डालना, बेसन में डालना आटा डालना, फिर देखना कितनी यम्मी सी कापली बनेगी। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च भूनी है, आज मन हो रहा था खाने का। बनाऊंगी टमाटर की ग्रेवी से कापली, क्योंकि मैं दही तो खाती नहीं हूँ, मतलब खट्टी दही नहीं खाती हूँ मैं। तो मैंने टमाटर की ग्रेवी बना दी है, इससे बनाऊंगी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा आटा। मेरे को पहले किसी ने ये भी बताया था कि चुरकानी में आटा डाल के, और रियल में तब से मैं बनाती नहीं बेसन की चुरकानी, तब से मैं उसमें आटा ही डालती हूँ। तो कापली में भी किसी ने बताया थोड़ा आटा डाल के बनाना, तो आज मैं पहली बार बना रही हूँ आटा डाल के। मैं बेसन से ही बनाती थी, तो देखते हैं कैसा होता है इसका टेस्ट। तो मैं इसमें मसाले भी डाल चुकी हूँ, और इसके बाद डालूंगी मैं टमाटर की ग्रेवी, ताकि इसमें खट्टापन आ जाए। डाल दिए हैं टमाटर की ग्रेवी। जैसे पहले के लोग ना जो चीज़ बताते थे, तो रियल में ये आटे से ना इसमें इतना लचीलापन आ जाता है, तभी ये खाने में टेस्टी भी लगता है। तो दोस्तों, रंग में तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आटे से बनाया होगा, बहुत प्यारा सा रंग आ रहा है इसका, और मुझे लगता है कि खाने में भी अच्छा ही होगा। क्योंकि जब हम भटकी चुरकानी में अगर हम आटे से बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। ये पूरा ऐसी लग रहा है कि जैसे बेसन से बना होगा। मेरे पास पड़ी हुई थी पालक, मैंने कहा यार क्यों ना चलो आज पालक की कापली बनाई जाए। वैसे कहते हैं कि मूली की पत्ता कोई ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन पालक भी अच्छा ही होता है। अब ये हो चुका है तैयार, अब इसमें डाल देते हैं हरी सब्जी। और अब ये कुछ हो चुका है इस प्रकार से, वाओ बहुत यम्मी लग रहा है। तो उसे खा के बताऊंगी कैसा हो रहा है, बहुत यम्मी, दिखने में तो यम्मी लग रहा है। तो दोस्तों, ये बन चुका है कापली और भात, इसमें भुनी हुई मिर्च। तो लेते हैं इसका स्वाद। दोस्तों, आज की रसोई मेरी ये रही, कापली और घर के चावल, इसमें भुनी हुई मिर्च। तो लेते हैं इसका स्वाद, अब बताते हैं आपको कि कैसा हुआ इसका स्वाद। कापली और भात, बहुत मजा आया आज, शुद्ध पहाड़ी खाना खाया आज, और बहुत टेस्टी। पहले भी बनाती थी मैं, पर मैं बेसन के साथ बना रही थी। मैंने पहली बार आटे के साथ बनाया, तो बहुत यम्मी सी हो रही थी कापली, बहुत सुंदर थी, बहुत यम्मी स्वाद था। अभी बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है, बहुत सुंदर धूप। उसकी तरह काम धाम निपटा करके मैं जा रही हूँ दुकान में,
तो क्या कुछ खास रहता है आज का दिन, दिखाती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। मत खा मत खा मत खा, यम्मी यम्मी। दिखा कितना बड़ा थैला लेके आ रखी थी, इतना बड़ा थैला भर रखा है, इसने ये सब खाना है। जब होगी ना बीमारी तब बताऊंगी तेरे को, रुक जी। जब काटना पड़ेगा तब क्या करेगी, तब बेड पे लेट के अनार का जूस पी। इसी को तो बोलते हैं उम्र और अकल को भेंट नहीं होती है। पूरा थैला अकेले खाएगी, देखो और कोई नहीं खा रहा, सबको अपनी तबीयत की वो है कि हम कैसे खाएं। ये देखेगा बीरू, तेरी सास भी देखती मेरा ब्लॉग, देखती है। दो मिनट था कि रात में थोड़ा सुनाई दी, फिर रात भी बाज रही, अगले दिन से फिर मैं अपने साल पे आ जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। ब्रूनो ए मेरी बाबा, जीविका का भाई लग रहा है जीविका। देख अले 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 अले, ओ बाबा अले बाबा। ब्रूनो तो ये मंजुलों के भीर क्या क्या नाम है रे इनका, है फिर मैंने कहा ऐसा नाम मत रखो, मैंने तो एक का नाम ब्रूनो रखा है। ओले मिले बाबा, आया आ गया